देखिए आप भगवान केवट के घाट पर नाव मांग रहे हैं और केवट बड़ी चतुराई से अपनी विनम्र निवेदन पत्र का रख रहे हैं। हेलो हेलो, कह रहे हैं केवट हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे परिवार को आप दर्शन दे रहे हैं, हमारी नाव में बैठ रहे हैं। हेलो, लगी नहीं यहाँ, लग रही तो रही, थोड़ी देर में लगी जा रहे हैं, लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक दो लाइनें सुन लो आप केवट संवाद की, उसके बाद सविता राज आपकी सेवा में। जैसे ही भगवान राम के चरण धोए और नाव पे बैठारा और नाव जैसे ही किनारा छोड़ा तो केवट अपनी बात रख रहा है, कह रहा है भगवान से कि गंगा मैया में हो उडार दई नैया में हो अवध के राजा तुम्हें तो लगा दो बेड़ा पार। कह रहा है केवट के नाव हम चला के नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी नाव में जो संसार को पार करने वाले हैं, संसार को नाव में बैठार के पार करते हैं, वो हमारी नाव में बैठे हैं। इसलिए केवट कह रहा है गंगा मैया में हो दारदई नैया में हो अवध के राजा तुम्हें तो लगा दो बेड़ा पार, तुम्हें तो लगा दो बेड़ा पार। लक्ष्मण जी जरूर पूछ रहे हैं केवट से कि अभी तो आप कह रहे थे केवट भैया कि चरण धोएंगे तब बैठारेंगे, अब कह रहे हैं कि हम नाव नहीं चला पाते हैं। तो कहा केवट ने चरण कमल धोए नहीं है धोयो मन को मेरे, चरण कमल धोए नहीं है धोयो मन को मेल, और धीर पीर मोती गंगा को शीस नबावे पेल, गंगा मैया में हो तार दई नैया में हो अवध के राजा तुम्हें तो लगा दो बेड़ा पार। कहने लगा केवट के मैंने सरकार चरण तो धोए हैं, लेकिन असली बात यह है कि मैं भगवान को अपनी सत्यता कहां तक दर्शाऊं,
और आज मैं मगन हूँ, विमोद में हूँ, इसलिए चरण धो करके मैं कितारत हो रहा हूँ और कहने लगा केवल अरे मैं नदिया को के उठा और तुम जग के बनहा मैं इस छोटी सी नदी से गंगा से पार करने वाला हूँ, वो आप भवसागर की नदी से पार करने वाले हैं सरकार, इसलिए विनय कर रहा है केवल के मैं नदिया को के उठा और तुम जग के बनहा बहुत अच्छी विनय करी है कहा केवट में मैं नदिया को के उठा और तुम जग के बनहार तुम मैं का तुमको पारी उतारू मैं का तुमको पारी उतारू दीन बंद सरकार गंगा मैया में हो तार दई नैया में हो अवध के राजा तुम ही तो लगा दो मैया में हो डार दई नैया में हो अवध के राजा तुम्हें तो लगा दो बेड़ा पार कम से कम थोड़ी सी तालियां तो बजाई दो आप और भजन पे शाबाश लीजिए आपकी सेवा में सविता राज अपनी प्रस्तुति के साथ है सुने आपके सामने सविता राज हेलो हेलो तो आप सबकी सेवा में मेरी छोटी सी कोशिश है और आशा विश्वास है जरूर आप लोगों के लाने पसंद आए और जो भी गलतियां हो जाए तो माफ करें सुने आप